भारतीय सेना में पहला रैंक हासिल करने वाली सनिया अपने घर पौनी भारत पहुंची। सनिया आर्मी में लेफ्टिनेंट पद के लिए नियुक्त हुई है। सनिया की इस नियुक्ति को लेकर उनके परिवार वालों में खुशी की लहर देखने को मिली। सनिया अब भारतीय सेना का हिस्सा है, इस बात पर उनके परिवार वालों को काफी गर्व है। बता दें कि सनिया की ख्वाहिश है कि उनको पहली पोस्टिंग कश्मीर में मिले। कश्मीर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड वो जम्मू का भी पार्ट है और मैं जम्मू से हूँ, तो कश्मीर के हालात बहुत ख़राब हैं क्योंकि वहाँ के लोग समझते नहीं हैं कि शायद उन्हें लगता है कि हम इस देश का हिस्सा नहीं हैं, पर इतने सालों पहले हमने आज़ादी ली थी और हम इस देश का हिस्सा बने थे। इस देश ने हमारे लिए इतना कुछ किया था उस समय पे जब कुछ लोगों ने इतना आतंक फैलाया हुआ था हमारे जम्मू कश्मीर में, तब राजा हरि सिंह जी ने हमें पार्ट बनाया था इंडिया का, और हम इंडिया का पार्ट हैं और आई एम ग्लैड कि हम इंडिया का पार्ट बने उस टाइम। सनिया ने वुमेन ऑफिसर टेक्निकल एंड सिविल इंजीनियरिंग ऑफ इंडियन आर्मी में पहला रैंक प्राप्त कर परिवार का नाम रोशन किया है। सनिया ने 27 फरवरी को ऑफिसर टेक्निकल एंड सिविल इंजीनियरिंग ऑफ इंडियन आर्मी में घोषित हुए परिणाम में पहला स्थान प्राप्त किया। सभी लोग सनिया को इस बड़ी सफलता के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं। सनिया ने बताया कि उसका बचपन से ही इंडियन आर्मी में सेना अधिकारी बनने का सपना था जो अब पूरा हो चुका है। मुझे इस प्रिंट से इतना प्यार हो गया है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। आजकल ये बहुत ट्रेंड में भी है, पर ये ट्रेंड के लिए नहीं है ये, क्योंकि मैं अब इस यूनिफॉर्म में अपने आप को देखती हूँ, इसलिए मैंने ऐसे 5-6 शर्ट्स लेके रख लिए हैं और मैं अब घर से निकलती ही नहीं कपड़ों में, क्योंकि मेरे दिल में ही अब वो हो गया है कि हाँ मैं एक फौजी हूँ एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं एक फौजी। और सेना अधिकारी बनने के लिए उनके परिवार द्वारा उन्हें पूरा सहयोग दिया गया। उन्होंने कश्मीर जाकर अपनी ड्यूटी को बखूबी से निभाने की बात कही और कहा कि कश्मीर के जो युवा गलत राह पर जा रहे हैं उन्हें वो सही राह दिखलाने की कोशिश करेंगी। जम्मू से राही कपूर की विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम सनिया है और मैं अभी अपनी SSCW Tech 21 के फर्स्ट रैंक हासिल किया है मैंने अभी, तो मैं बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ अपने माता पिता का और अपने दादा दादी का, क्योंकि बचपन से ही मेरे दादा दादी हमें यही आशीर्वाद देते थे कि बड़े बड़े हो, बड़े अफसर बनो, तो उनकी ये बात हमेशा से दिमाग में थी, दिल दिमाग दोनों में थी एक्चुअली। और मेरे मम्मा पापा ने भी हमें यही, हमारे ऊपर इतना उन्होंने हार्डवर्क किया है कि हाँ हमारी बेटियाँ किसी से कम ना हों, हमेशा आगे बढ़ें, आगे पढ़ें। अभी तो मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा अपनी मम्मा का करना चाहती हूँ, उन्होंने कभी भी एज अ मदर हमें ट्रीट नहीं किया बट एज अ फ्रेंड ट्रीट किया है, और हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, जितने बजे भी ज़रूरत पड़ी है, हमें वो मिली है। तो हमारी एजुकेशन जो इतनी अच्छी रही है वो उनका पूरा पूरा श्रेय मेरे मम्मी पापा को जाता है। और मैं बीटेक करना चाहती थी तो उसके लिए मुझे बाहर जाना था, तो मैंने अपने फादर साहब से पूछा तो उन्होंने मुझे उसी टाइम बोल दिया कि हाँ अगर तुम करना चाहती हो तो तुम ज़रूर जाओगी। मुझे डर था कि क्या पता वो कहें कि नहीं इतनी दूर बेटियों को भेजना सही नहीं है, पर नहीं, मेरे पिताजी के उन वर्ड्स को सुन के मुझे इतना अच्छा लगा और मैंने सोचा कि हाँ अब इन्होंने अगर ये इतना विश्वास से मुझे भेज रहे हैं तो हाँ मुझे भी कुछ अच्छा करना है। तो मेरी बीटेक मैंने बहुत अच्छे नंबरों से पास की है, मेरी 82.36% है अपनी बीटेक सिविल में। और उसके बाद आते ही मैंने यूं ही एक दिन आर्मी का फॉर्म भर दिया जब फॉर्म निकले थे, उसके बाद मैं शॉर्टलिस्ट हो गई अपने परसेंटेज के आधार पे और फिर मैं SSB देने गई अपनी 4 नवंबर को। तो मैंने इलाहाबाद 18 SSB बोर्ड से अपना SSB दिया था और मैं शॉर्टलिस्ट हो गई थी। मैं ओवरवेट थी इसलिए मेरा मेडिकली टेम्प्रेरी आउट थी मैं, तो मेरा 7 किलो बड़ा था, ज़्यादा था, तो मैंने वो 7 किलो कम किया 36 डेज में और फिर से अपना वेट कराया और मैं मेडिकली भी इन हो गई। और उसके बाद मैंने मेरिट का वेट किया और कुछ ही दिनों पहले मेरा मेरिट आया है और मेरे घर परिवार वाले बहुत खुश हैं, हमें इतनी बधाइयाँ आ रही हैं और मैं इतनी खुश हूँ कि हाँ मेरी वजह से मेरे मम्मा पापा इतना प्राउड फील कर रहे हैं, तो मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हूँ। तो अगर मुझे मौका मिलेगा कश्मीर जाने का तो हाँ मैं कश्मीर जाऊँगी, हाँ मैं उन लोगों से लड़ूंगी, उन्हें समझाऊँगी, उन्हें सिखाऊँगी कि हम इस देश का हिस्सा है और ये हमारे देश के लिए, हमारा देश हमारे लिए क्या है। देश का नाम सुनते ही, देश का राष्ट्रगान सुनते ही या फिर हमारा झंडा देखते ही हमें इतनी अच्छी फीलिंग आती है, तो मैं ज़रूर उनसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपको नहीं आती, क्या आपको नहीं अच्छा लगता कि हमारा देश, आप ये नारा नहीं कहते हो कि हमारा देश महान है। ऑल्दो हमारी गवर्नमेंट मैक्सिमम 90% जो है प्रॉफिट्स जो जम्मू कश्मीर को आते हैं वो कश्मीर को दिए जाते हैं, क्योंकि
उन्हें भी लगता है कि हाँ उन्हें उनकी ज़रूरत है, और हाँ हमें भी लगता है हाँ उन्हें उनकी ज़रूरत है, पर वो क्यों नहीं समझते। तो मैं ज़रूर उनको समझाना चाहूँगी कभी मुझे मौका मिला। और हाँ, मैं निवेदन करना चाहूँगी अपने इंस्टीट्यूशन से कि उनके लिए वर्कशॉप्स ज़रूर करनी चाहिए, जिसमें उनको ये सिखाना चाहिए कि हाँ व्हाट इज़ इंडिया और क्या उनके लिए हो रहा है, क्या उनके लिए किया जा रहा है। आई थिंक उनको पता ही नहीं चलता। अपनी बेटी के लिए फौज में जाने के लिए जो हमने इसको पढ़ाया लिखाया, तो बेटी ने बहुत मेहनत की और हमारे कहने पर चलती रही। कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते थे फीस वगैरह के लिए, हमने बैंक से लोन भी लिया, अभी भी हम किस्तें दे रहे हैं, क्योंकि एक पेंशन से इतनी परिवार को पालना मुश्किल हो जाता था। तो बाकी मैंने लड़की को मना नहीं किया, इसने जब बोला मैं राजस्थान में करनी है बीटेक, तो मैंने मना नहीं किया। लोग बोलते रहते हैं कि लड़की को बाहर नहीं भेजना, लेकिन मैं सभी को यही बोलूँगा कि अपनी लड़कियों को भी बाहर भेजो, पढ़ाई कराओ, अच्छे नंबर लें, अच्छी जगह स्कूलिंग करें, जैसे हमारे इतने J&K में इतनी फैसिलिटी नहीं है। मैं हर माँ बाप से यही कहना चाहती हूँ कि अपने बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, बेटियों को बेटियों की तरह नहीं बेटों की तरह उनकी परवरिश करो और अच्छे से पढ़ाओ। और बेटियों की शादी के बारे में कम सोचो, पहले उनकी पढ़ाई के बारे में सोचो, ताकि वो किसी मुकाम तक पहुँचे। तो मैं अपनी बेटी के लिए बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मेरी बेटी ने पहला रैंक हासिल किया।